जोजो किड्स। कौन बनेगा मंत्री। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजा जी, मगर आज आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है बताता हूँ। मुझे एक समझदार मंत्री की तलाश है जो मुझे सही सलाह दे, मुझे पूरे जंगल की खबर दे सके। महाराज, मैं आपका मंत्री बनना चाहता हूँ। हाथी ने कहा, मैं बहुत ऊंचा और बलवान हूँ, आप मुझे मंत्री बना दीजिए। उसके बाद बंदर ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हाथी तो बहुत भोला है, आप मुझे मंत्री बनाइए, मैं आपको सभी फल भी तोड़ तोड़ कर खिलाऊंगा और जंगल की सारी खबर लाके दूंगा। हाँ, कुछ ही देर बाद सांप ने कहा, आप ये मौका मुझे दे दीजिए महाराज, जो भी गलती करेगा उसे डस लूंगा, मैं उसे सजा दूंगा। सभी की बात सुनने के बाद राजा शेर को कोई भी जानवर मंत्री के पद के लिए ठीक नहीं लगा। तभी वहाँ सबसे पीछे खड़ी लोमड़ी बोली, महाराज मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपको सही सलाह भी देगी और सही सूचना भी। क्या क्या कहा? अच्छा तो बताओ, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास तेज दिमाग है, मैं अपने चतुराई से किसी को भी उल्लू बना सकती हूँ। बहुत अच्छे, मुझे भी तुम्हारे जैसे ही मंत्री की तलाश थी, आज से तुम मेरी मंत्री हो। और इस तरह लोमड़ी को शेर ने जंगल का मंत्री बना दिया और इस बात से लोमड़ी बहुत खुश हुई। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। भेड़िया और शेर। चालाक भेड़िया अपनी चालाकियों के कारण जंगल में बहुत बदनाम हो चुका था। कोई भी जानवर भेड़िये से बात नहीं करना चाहता था। वो देखो चालाक भेड़िया, चलो यहाँ से। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। क्या हो गया है सबको? कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, इस तरह तो मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उदास भेड़िया अपने आप से बातें करता हुआ जा रहा था कि सामने से उसे शेर आता दिखा। क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो? देखते नहीं सामने कौन खड़ा है? राजा जी आप मुझे माफ करें, मैं कुछ परेशान हूँ इसीलिए सामने से आप आ रहे हैं, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। परेशान? क्या हुआ, क्या बात है? शेर राजा, हुआ क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, जहाँ भी जाता हूँ मुझे देखकर सभी दोस्त और जंगल के जानवर मुझसे बिना बात किए यहाँ वहाँ चले जाते हैं, मुझे अनदेखा करते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, सोचता हूँ ये जंगल ही छोड़ दूँ, किसी और जंगल में जाकर रहूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। भेड़िये को देखते ही जानवर वहाँ से जाने लगे। तभी शेर वहाँ आ गया और बोला, रुको, क्या बात है, तुम सब भेड़ियों को अनदेखा क्यों कर रहे हो? राजा जी, हम सभी जानवर भेड़िये की चालाकी से बहुत परेशान हो चुके हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि कोई भी जानवर अब भेड़िये से बात नहीं करेगा। भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर ही सबका शिकार करता है धोखे से। ओह, तो ये बात है, अब तुम बताओ भेड़िये, तुम्हें कुछ कहना है? मैं समझ चुका हूँ अपनी गलती और मानता भी हूँ, मुझे आप सब माफ कर दीजिए और सुधरने का एक मौका दीजिए, मैं अब कभी किसी को धोखे से नहीं खाऊंगा, ये वादा करता हूँ, मगर मुझे ऐसे अकेला मत छोड़िए, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है आप सबको इसे एक मौका देना चाहिए। जी राजा जी।
और इस तरह सभी जानवरों ने भेड़िये को सुधरने का एक मौका दिया। गौरैया और हाथी। एक जंगल में अप्पू नाम का बड़ा सा हाथी रहता था। वो बहुत शैतान था और गुस्से वाला भी। एक दिन गुस्से में आकर अप्पू ने जंगल में चलते चलते 4-5 पेड़ तोड़ दिए। उन्हीं में से एक पेड़ पर गौरैया अपने अंडों के साथ रहती थी। जब पेड़ गिरा तब गौरैया का घोंसला, जो अंडों से भरा पड़ा था, नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। अपने अंडों को टूटा देख गौरैया बोली, यह अप्पू हाथी अपने आप को समझता क्या है? गुस्से में इसने मेरे सारे अंडों को मार डाला। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। पूरा जंगल इससे परेशान है, मगर इसके गुस्से के डर से कोई इससे कुछ नहीं कहता। मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना बदला लूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। गौरैया रोती रोती अपनी दोस्त मधुमक्खी, मेंढक और कठफोड़ा के पास गई। गौरैया के दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह सब मिलकर अप्पू से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। सभी मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। मौका पाकर एक दिन वे सब हाथी के पास जाते हैं। हाथी को सोता देख मधुमक्खी अपनी मीठी आवाज से हाथी के कान के पास गाना गुनगुनाने लगती है। हाथी को संगीत सुनकर मजा आने लगता है। तभी कठफोड़ा आकर हाथी की आंखों को फोड़ डालता है। अप्पू दर्द से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये मेरी आंखों में जलन क्यों है? किसने मेरी आंखें फोड़ी? बचाओ बचाओ। अप्पू पानी की तलाश करता है। तब मेंढक और उसके साथी एक दलदल के पास डराने लगते हैं। हाथी समझता है कि वहाँ पानी है और उस दिशा पर चलने लगता है। दलदल में डूबकर वह मर जाता है और गौरैया अपना बदला लेने में सफल हो जाती है। बारिश और बिल्ली। एक दिन बिल्ली मोर को नाचते हुए देखती है। बड़ा मन कर रहा है भीगने का। ये मोर कितना सुंदर है और नाचते हुए तो और भी सुंदर लगता है। काश मैं भी इसकी तरह नाच पाती, बारिश का मजा ले सकती। बिल्ली जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा था। क्या हो गया? क्या सोच रही हो बिल्ली मौसी? कुछ नहीं, बारिश का मजा लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, खाली पेट तो कोई मजा नहीं। अरे इतना उदास क्यों होती हो? आओ मेरे पास आओ, इस पेड़ पर बड़े स्वादिष्ट बेर लगे हैं। आओ मैं तुम्हें तोड़ कर खिलाता हूँ। अरे वाह, बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है। कौवे ने बिल्ली के लिए खूब सारे बेर तोड़े और दोनों ने मिलकर बेर को खाया। अब कैसा लग रहा है बिल्ली मौसी? हाँ अब अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है और पेट भी भरा हुआ है। मोर भी लगता है नाचते नाचते थक गया और हम खाते खाते हमें हर चीज में मजा आता है जब हम एक साथ अपनों के साथ रहते हैं। एक दिन कालू कौवा बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगा। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आ, 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 बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए, वैद्य के पास जाना होगा। जैसे तैसे बेचारा कालू वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। कालू क्या हुआ, आज यहाँ कैसे? क्या बताऊँ वैद्य जी, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। आपकी कोई दवाई शायद काम करे, आप कोई दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने बड़े ध्यान से कालू की जांच की।
अरे कालू, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक है। जरूर तुमने कल बहुत ज्यादा भोजन किया होगा। आप ठीक कहते हैं वैद जी, कल मैं एक शादी में गया था, वहाँ इतने सारे पकवान देखे कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं सब कुछ खा गया। तुम खाने में इतने मग्न हो गए कालू कि भूल गए कि तुम्हारा ये छोटा सा पेट उसे पचा भी पाएगा या नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इसे खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मगर याद रखना, हमेशा अपने पेट के मुताबिक और भूख के मुताबिक ही खाना चाहिए। ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो जाता है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात में हमेशा ध्यान रखूंगा। कालू कौवे को खाने का बहुत शौक था। जैसे ही वह वैद्य जी के घर से बाहर निकला, उसे रास्ते में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखा। अरे इतने मीठे और बड़े बड़े अमरूद, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। कालू अमरूद खाने ही वाला था, तभी उसे वैद्य जी की बात याद आ गई। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी इसी आदत को अब बदलना होगा, जितनी जरूरत है उतना ही खाऊंगा, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। कालू अब समझ गया था कि उसे अपनी क्षमता के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। रानी मधुमक्खी। नंदू अमरूद बेचने वाला पूरे गांव में अपने मीठे मीठे अमरूदों के कारण बहुत मशहूर था। उसके सारे अमरूद तुरंत ही बिक जाया करते थे। नंदू के पास अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता भी था। कैसी हो मधुमक्खी रानी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बताओ आज बाजार में तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, तुम तो जानती हो मेरे अमरूद खाने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। मेरे सारे अमरूद बिक गए और यह सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम्हारे डर से मेरे पेड़ पर कोई पक्षी आने की हिम्मत भी नहीं करता। ऐसा नहीं है, तुम भी हमें कुछ नहीं कहते, हम तुम्हारे पेड़ पर रहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही दिन अमरूद तोड़ते समय नंदू की नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर गई। अरे ना बड़ा हो चुका है इनका छत्ता, इसमें तो बहुत शहद होगा, अगर इसे बाजार में बेचा जाए अच्छे पैसे मिल सकते हैं। नंदू के मन में लालच आ चुका था। अच्छा कुछ करना होगा, आज रात को जब मधुमक्खियाँ सो रही होंगी तो इन्हें भगाकर पूरा शहद निकाल लूंगा। बेचारी मधुमक्खियाँ इस बात से अनजान थी। रात के समय नंदू जब हाथ में मशाल लिए पेड़ की तरफ बढ़ा, तभी अचानक रानी मधुमक्खी की आंख खुल गई। अच्छा तो ये बात है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। और रानी मधुमक्खी बिना डरे तुरंत बाकी मधुमक्खियों को उठाने लगी। चलो इसे मजा चखाते हैं। सारी की सारी मधुमक्खियाँ नंदू के पेड़ के पास पहुँचते ही उस पर हमला कर देती हैं। नंदू दर्द से चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मैं तो यूं ही आ रहा था पेड़ के पास, मुझे छोड़ दो, अरे रानी मक्खी मुझे छोड़ दो। लालच बुरी बला है। सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी
संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकरा कर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से, अरे मेरी टोकरी से, ये सब सांप कहाँ चले गए, ये सांप कहाँ चले गए। सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया, ओहो हो, मैंने आज दो दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे, इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया, आज का दिन बहुत बुरा है। Please subscribe.